क्या तुम लोगों को पता है कि जिस रेविजर के ऊपर इलिजर्स बैठ कर आते हैं आखिर वो है कौन? या फिर क्या तुम लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट का मेन विलेन कौन है? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सोचा ही होगा कि आखिर ये दो अलग अलग डायमेंशन दिए क्यों हुए माइनक्राफ्ट में। दरअसल ये दोनों एक अलग अलग टाइम मशीन की तरह वर्क करते हैं, जहाँ एंड डायमेंशन में लिविंग थिंग्स, बट फिर एंड पोर्टल में एक बार एस्टेरॉइड्स टकराए और फिर पूरा एंड तबाह हो चुका था, जो बन जाता है नेदर। तो इसी तरह से जो हमारा फ्यूचर है एंड पोर्टल का, वो नेदर पोर्टल है। क्यों हिला डाला ना? तो ये बात है बहुत पहले की, जब एलिजर्स और पिलेजर्स विलेज के ऊपर पहली बार रेड मारने आए, वहीं पर ही इन लोगों ने विलेजर्स को भी बंदी बना दिया, जिनके बाद में जो एलिजर्स हैं उन्होंने मैजिक करके उनको रेविजर्स में बना दिया, यानी कि अब वो एक उनको व्हीकल की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है विलेजर्स की। क्या तुम लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट का एक ऐसा भी मॉब है जिसका कोई स्पॉन एग नहीं है? ये मॉब कमांड्स के थ्रू ही स्पॉन हो सकता है, इसका कोई स्पॉन एग नहीं है। ये इवोकर को देखा जाए तो इवोकर एक अजीब से क्रोकोडाइल टाइप मॉब निकालता है जमीन के अंदर से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, जिनको उनके फैंग्स भी बोलते हैं। तो ये क्रोकोडाइल जैसे मॉब्स ही एक ऐसे मॉब है जो, यानी कि इनका कोई स्पॉन एग नहीं है, और तो और इनको बस स्टीव ही स्पॉन कर सकता है अपने कमांड्स के थ्रू, मतलब हमारा स्टीव बिना ओवर पावर्ड ही है कम से कम। दोस्तों, हीरो ब्रांड को तुम सभी लोग जानते हैं, हीरो ब्रांड आखिर बना कैसे? इसका जवाब ये है कि माइनक्राफ्ट का नॉच का एक भाई था जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और फिर उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसने मरने के बाद भी नॉच की कभी जान नहीं छोड़ी, एंड वो नॉच की गेम के अंदर चला गया, जहां पे अब वो नॉच के जितने भी माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स हैं उन सबको तंग करता है हीरो ब्रांड के रूप में स्टीव की बॉडी लेकर। मतलब अगर स्टीव ने देख भी लिया तो वो उसको मार देगा, क्योंकि वो बहुत ही वो ओवर पावर्ड है, तुम्हें पता ही होगा। क्या पता है कि माइनक्राफ्ट का मेन विलेन है कौन? वार्डन, एंडर ड्रैगन, विदर? नहीं, इनमें से कोई मेन विलेन नहीं है माइनक्राफ्ट का। माइनक्राफ्ट का मेन विलेन हमारा अपना स्टीव है। जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, स्टीव ही एक ऐसा एंटिटी है जो बाकी सारे मॉब से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ओवर पावर्ड है, मतलब सबसे पावरफुल है ये। स्टीव ने कतई तबाही मचाई हुई है, कभी भी कुछ भी बिल्ड कर सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन क्राफ्ट कर सकता है और मर कर भी दोबारा जिंदा हो सकता है। ये सलाहियत किसी भी मॉब में नहीं है, बस स्टीव के अंदर ही है। कभी भी वो विलेजर्स को जाके मार सकता है, कभी भी रेड करा सकता है विलेजर्स को, कभी भी विलेजर्स की घर तबाह कर सकता है, कभी भी किसी भी मॉब को अपना पेट भरने के लिए मार सकता है, उनको पका के खा सकता है। ये तो कोई मॉन्स्टर ही करेगा ना यार, और कोई करेगा भी? और तो और दूसरे जो मॉन्स्टर्स हैं वो स्टीव को मारने के लिए आते हैं, ताकि इस माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड से एक थ्रेट को निकाला जाए। मुझे तो पता चला ना स्टीव विलेन है, तो यार विश्वास उठ गया मेरा धरती से ना, मतलब कतई। चलो, खैर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।